प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर करें कि आवाज़ बच्चों को ऐसी आ रही है और वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो आप अपने मोबाइल से 720 पिक्सल पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। तो आइए बच्चों, आप सभी लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, सन 1740 में बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है अली वर्दी खां, शाहजहाँ, शौकत जंग और टीपू सुल्तान। तो बताइएगा बच्चों सही आंसर क्या है 36 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अली वर्दी खां 1740 में बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था? कह रहा है कि भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है कि भाई भारत में सिविल सर्विस की स्थापना तो हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, और सिविल सर्विस का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। ये जो है जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, तो इसी के टाइम में जो है सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी। तो स्थापना जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई है, लेकिन इसमें सुधार करने का, उसको एक संवैधानिक अधिकार देने का या उसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था, इसलिए भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो 38 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 39 नंबर प्रश्न है, बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन। तो बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज ने। चूँकि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे वो थे राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय जो है बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था या उसकी स्थापना किसने की थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में उनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है और जो है तभी से विधवा पुनर्विवाह होना स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चितरंजन दास निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? आवासी लीग, गदर पार्टी, स्वराज दल, मुस्लिम लीग। तो चितरंजन दास ये बच्चों थे स्वराज दल के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहाँ, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, किस सिख गुरु ने संतोष सर एवं अमृतसर नामक दो तालाबों का निर्माण करवाया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या डी ऑप्शन है गुरु रामदास। तो सिख गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने संतोष सर और अमृतसर दो तालाबों का निर्माण करवाया था, और गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का भी निर्माण किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? मीर कासिम, नवाब निजामुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह जफर। तो इलाहाबाद की संधि बच्चों बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किसके साथ की गई थी? तो शुजाउद्दौला के साथ की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम दो कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर कोलबार्ट। तो प्रथम दो कर्नाटक युद्धों के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था डुप्ले। चलिए, इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784, 1790, 1801 या 1901। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नाम याद रखेंगे, विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1793 में स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? विलियम पिंट, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो 46 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्न में से किन तटीय मैदानों में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो 47 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत रहा महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लैगून का उदाहरण है? नर्मदा, मेरीना, चिल्का झील, चौपाटी। तो लैगून का उदाहरण बच्चों है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही जवाब है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 49 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको, हैती, क्यूबा या कनाडा। तो विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादक राज्य है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बच्चों सही है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तब इनके वाक्यों में, उनके भाषण में जो है ये चीज़ें सुनने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा या महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु संयंत्र ये बच्चों स्थित है महाराष्ट्र में। और इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कर्नाटक में जो है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है? चलिए बताइए भाई, ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही है, FAO। इस संस्था के द्वारा विश्व में निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? वाल्सा, हिबिया, सिनकोना, हार्डवुड। तो बच्चों वाल्सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? चिली, ब्राज़ील, सूरीनाम या पेरू। तो बाल पेराइजो बंदरगाह बच्चों चिली में है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 55 नंबर क्वेश्चन है, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? वाल्मीकि, तुलसीदास, कम्बन, आदि शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें सी सही है, कम्बन ने जो है रामायण का तमिल में अनुवाद किया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर राजपूत वंश। तो राजा मिहिर भोज ये किस वंश के शासक थे? तो ये बच्चों थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था?
कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव, कृष्णा द्वितीय या राजेंद्र प्रथम? तो कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है बच्चों 30 वर्ष। इसके अलावा अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए मात्र 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी होती है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष अनिवार्य होती है। 59 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार दिवस कब बना था? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 सितंबर 1995 में। 60 नंबर प्रश्न है, विश्व का कौन सा घास का मैदान रोटी की दलिया के नाम से जाना जाता है? पैम्पास, वेल्ट्स, प्रेरी, स्टेपी? तो बच्चों ये प्रश्न आपका कई तरीके से पूछ सकता है कि विश्व में जो घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे पम्पास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ट्स जो होते हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, स्टेपी जो हैं ये रूस में पाए जाते हैं, और प्रेरी जो हैं अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा डाउन्स जो हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरी घास के मैदानों को रोटी की दलिया के रूप में जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर है, यानी सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो स्पेनिश भाषा बोलता है? पेरिस, क्यूबा, मैक्सिको या न्यूयॉर्क? तो ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों, मैक्सिको जो है यहाँ पर स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 63 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निम्न आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। 65 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल बच्चों होता है 6 वर्ष का, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 6 वर्ष नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे? 12, 6, 10 या 8? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसमें 6 सदस्य थे, हालांकि टोटल मिला के 7 थे जिसमें एक अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़ दें तो 6 सदस्य थे, टोटल 7 थे जिसमें से एक अध्यक्ष का पद, तो वो पद हटा करके 6 थे, तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका होगा। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मुख्यतः कितने भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और ये बच्चों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बच्चों है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, गीतांजलि, परीक्षा गुरु? तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ये आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उसी से जो है वंदे मातरम गीत अवतरित है लिया गया है। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, भोपाल या नई दिल्ली? तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।